अमरोहा में अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाली शबनम फांसी की सजा मिलने के बाद गुमसुम रहने लगी है। जेल में उसे जो काम सौंपा गया था अब उसमें भी उसका दिल नहीं लगता। शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की जान बख्श देने की गुहार लगाई तो बहस छिड़ गई कि क्या फांसी देना ठीक है या फिर नहीं। निर्भया मामले में दोषियों की तरफ से केस लड़ चुके वकील एपी सिंह ने तो बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर फांसी की सजा खत्म करने की मांग उठाई है। वहीं कुछ लोगों की दलील है कि जघन्य मामलों में फांसी की सजा होनी ही चाहिए। फांसी की सजा पर चल रही बहस के बीच चलिए आपको बताते हैं कि उस रात हुआ क्या था जब शबनम ने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। अमरोहा की शबनम ने इस हत्याकांड को 14 अप्रैल 2008 की रात को अंजाम दिया था। उस रोज बारिश हो रही थी। 15 अप्रैल की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में 7 लोगों की हत्या हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि हत्यारों ने बच्चे तक को भी नहीं बख्शा। परिवार के मुखिया शौकत अली, उनकी पत्नी हाशमी, बेटा अनीस, राशिद, बहू अंजू और 10 महीने का पोता अर्श का शव जिस किसी ने देखा वो कांप उठा। घर के एक कोने में शबनम दहाड़े मार कर रो रही थी। पुलिस को उसकी हालत देखकर लगा नहीं कि वो अभी कोई बयान दे पाएगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस दौरान जब मौका मिला तो शबनम से पूछताछ की गई। खबरों के मुताबिक शबनम ने पुलिस को बताया कि वो घटना वाली रात छत पर सो रही थी। कुछ चोर घर की दीवार फांदकर भीतर घुसे। वो डर के मारे कुछ नहीं बोली। जब कुछ देर बाद वो नीचे आई तो देखा कि सभी की हत्या हो चुकी है। पुलिस को उसके बयान से शक तो हुआ लेकिन उसकी हालत देखकर पुख्ता सबूत मिलने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस के शक को पहले ठोस जमीन तब मिली जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सभी मृतकों को नशे की दवा दी गई थी। इस पर पुलिस समझ गई कि इस हत्याकांड से शबनम जुड़ी है। हालांकि सियासत तेज होने के चलते पुलिस को शबनम के खिलाफ सबूत चाहिए थे। इस दौरान पुलिस ने जब शबनम के प्रेमी सलीम से पूछताछ की तो उसने ऐसे सबूत पेश कर दिए जिससे लगे कि वारदात वाली रात घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं था। पुलिस अभी जांच आगे बढ़ा ही रही थी कि इसी दौरान मुखबिर से ऐसी सूचना मिली जिसने पुलिस को सलीम से सख्ती से पूछताछ करने का आधार दे दिया। पुलिस ने जब सलीम से दोबारा पूछताछ की तो वो टूट गया और कबूल लिया कि हत्याकांड को उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है। सलीम की निशानदेही पर पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली जो कि एक तालाब में फेंकी गई थी। उसके बाद 18 अप्रैल को पुलिस दोबारा शबनम के घर पहुंची और सलीम को सामने लाकर पूछताछ की तो वो टूट गई। शबनम पर उस रात कैसा जुनून सवार हुआ था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11 महीने के भतीजे को उसने अकेले ही गला दबा कर मार दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड को 4 दिन में सुलझा लिया था। हालांकि आरोप लगे थे कि राजनीतिक दबाव के चलते जल्दबाजी में गलत लोग को फंसाया गया है लेकिन पुलिस ने जब तमाम सबूत अदालत के समक्ष रखे तो सब सही पाए गए। राष्ट्रपति भी शबनम की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। हालांकि शबनम ने दोबारा से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दया याचिका भेजी है जिस कारण फिलहाल डेथ वारंट पर सुनवाई टाल दी गई है। लेकिन इस कहानी से एक बात साफ हो गई कि शबनम ने पुलिस को गुमराह किया था। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अपनी राय रखिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।